हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैं कलर पेंसिल्स को ब्लेंड करने के लिए एक फाइबर कैस्टर पॉलीक्रोमास की व्हाइट पेंसिल्स का यूज करता हूँ और दूसरा एक कैरन बैग की जो पेंसिल्स है उसका भी यूज़ करता हूँ। ये भी काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अप्सरा की ग्लास मेकिंग ग्लास मार्कर पेंसिल्स, मतलब कि ग्लास पे मार्क करने के लिए ये पेंसिल है। ये काफी चीप है, सस्ता है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाना सही समझा है। तो देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से हाईलाइट बना रहा है। आप इस पेंसिल को केवल हाईलाइट्स बनाने के लिए यूज करिए, क्योंकि इसको ब्लेंडिंग में मत यूज करना। ब्लेंड भी अच्छी तरह से ये कर लेता है, लेकिन उसके ऊपर वापस से कोई कलर पेंसिल्स का लेयर बनाना है तो आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए आप इसको हाईलाइट करने के लिए यूज करिए। देखिए हेयर्स पे भी कितनी अच्छी तरह से हाईलाइट हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा है हाईलाइट के लिए। तो चलिए दूसरे हेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक कैमलिन की चारकोल पेंसिल है जिससे मैं हेयर ड्रॉ करता हूँ। मैंने जितने भी स्केच बनाए हैं, काफ़ी सारे स्केच में मैंने इसका यूज़ किया है। सही डायरेक्शन में हमको स्ट्रोक लगाते जाना है और उसके बाद हमको जो हमारा सॉफ्ट ब्रश होता है उससे हम उसी डायरेक्शन में उसको रब करेंगे। तो इसी तरह से बहुत ही अच्छी तरह से हेयर ड्रॉ हो जाते हैं। कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है। देखिए, अब हम कोई अच्छी डिजाइन बनाना चाहते हैं तो देखिए, हम इधर ब्रश पे दो कलर ले रहा हूँ मैं। एक रेड कलर लिया और दूसरा मैंने येलो कलर ले रहा हूँ मैं। देखिए, दोनों कलर से हम अच्छी तरह से डिजाइन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। बहुत ही अच्छा लुक आएगा, डिजाइन भी बहुत अच्छा बनेगी। देखिए, दोनों आधे आधे में लेना है हमको कलर्स। इसी तरह से मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, नेम आर्ट भी किया है इसी तरह से मैंने। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा दिख रहा है। अभी फिर से हम वापस से आधा आधा कलर ले लेते हैं। बहुत अच्छी डिजाइन्स बनेंगी, देख लीजिए। अब हम और एक हैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम किसी भी स्केच को हाईलाइट करना है हमको और अब हमारे पास कॉम्बो मॉइस्चराइजर जैसी महंगी चीज़ नहीं है, महंगा मटेरियल, तो अप्सरा का ये नॉर्मल इरेजर भी हम यूज़ कर सकते हैं। कटर से हमको इसी तरह से काट के एज बना लेना है, अच्छी तरह से एज बना के हमको फिर उसको यूज करना है अपने स्केच पे। देखिए कुछ इस तरह से हल्के हाथों से, देखिए कितना अच्छी तरह से इरेज कर रहा है। इसी तरह से हमको कोई महंगी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबका जुगाड़ करना पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्रेफाइट पर भी ये अच्छी तरह से अप्सरा के जो ग्लास मार्किंग पेंसिल से वो अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए इतनी अच्छी तरह से हाईलाइट्स हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।